नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस मैदान में आयोजित होगा गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह, फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल हुई संपन्न, कलेक्टर एसपी भी रिहर्सल में हुए शामिल। और जलपरी रोड में एक बुलेरो वाहन से 20 पेटी देशी शराब जब्त, चालक हुआ फरार, गोरखपुर पुलिस की कार्यवाही। गणतंत्र दिवस पर पुलिस ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी शामिल हुए। 26 जनवरी को मुख्य समारोह पुलिस मैदान में आयोजित किया जाएगा, लिहाजा इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। इसी श्रृंखला में मुख्य समारोह की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान पुलिस के जवानों समेत एनसीसी कैडेट्स, होमगार्ड के जवानों ने भी कदम ताल किया, साथ ही स्कूली बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ये भी देशभक्ति और अनुशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद स्काउट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, शुद्ध संगीतों को लेकर आपके सामने जहां दान दान स्कूली बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। मार्च पास्ट में परेड में काफ़ी अच्छी तैयारियां हुई हैं। मुझे लगता है माननीय मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में बहुत अच्छा प्रोग्राम हम जबलपुर जिले के नागरिकों को देंगे। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शिरकत करें, सम्मिलित हों और बच्चों का और सभी मार्च पास्ट करने वाले लोगों का उत्साहवर्धन करें। जी, 5 स्कूलों के बच्चे जो है एक काफ़ी अच्छे कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसकी रिहर्सल अभी हम लोग करीब 14 डिपार्टमेंट्स की झांकियाँ यहाँ पे लग रही हैं। इसके अलावा जो अभी भारतीय न्याय प्रणाली में जो परिवर्तन हुए हैं उससे संबंधित एक प्रदर्शनी का भी हम यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। देखिए, आज 26 जनवरी की फाइनल ड्रेस रिहर्सल थी, जिसमें कलेक्टर साहब और सभी अधिकारी आज आए थे और उसमें आज रिहर्सल को देखा गया। उसके अलावा 26 जनवरी की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेके भी अधिकारियों को ब्रीफ किया गया है, जिसमें सभी थानों में होटल लॉज चेकिंग, BDDS चेकिंग और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड चेकिंग, और लगातार सभी अधिकारियों द्वारा, सभी पूरी पुलिस टीम द्वारा भ्रमण किया जाएगा। आज बच्चों का और सभी जो परेड है उनका सबका डिस्प्ले था और आज रिहर्सल को लेके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी को दिए गए। गौरतलब है कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ध्वज फहराएंगे, वहीं 14 विभागों की आकर्षक झांकियां भी निकाली जाएगी। गंजीपुरा महिला मार्केट में 20 सड़क तक बढ़ाकर दुकान लगाने की टेंडेंसी यातायात व्यवस्था को चौपट कर रही है। व्यापारी खुद अतिक्रमण कर लेते हैं, जिसकी वजह से जाम लगा रहता है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी भी मूक दर्शक बने रहते हैं और राहगीरों को तकलीफ उठाना पड़ती है। गंजीपुरा में दुकान के सामने 10 फीट तक सड़क पर कब्जा करके दुकान लगाने की मनोवृत्ति आवागमन को बाधित कर रही है। यहां चौड़ी सड़क भी सक्रिय नजर आती है। सड़क तक फैल कर लगी दुकानों के कारण दिन भर जाम लगा रहता है। वहीं यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल की दुकानदारों पर मेहरबानी राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा रही है। गंजीपुरा जाते गाड़ी खड़ी करने के लिए दिक्कत जाती है और दुकानों के सामने दुकानें और लगा के बैठ जाते हैं, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत जाती है कि गाड़ी खड़ी करने की, सामान खरीदना हो तो खड़ी नहीं कर पाते गाड़ी खरीदने, बहुत अतिक्रमण है। क्या मांग करते हो आप? वहाँ की रोड चौड़ी मांगते हैं, वहाँ पे अतिक्रमण अलग हो, अतिक्रमण अलग हो। स्थायी और प्रभावी कार्यवाही के अभाव में अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले बुलंद है। सड़कों पर उड़ते धूल के गुब्बारों पर अंकुश लगाने और एयर क्वालिटी लेवल को मेंटेन करने के लिए नगर निगम द्वारा आधुनिक मशीनों की मदद से पानी का छिड़काव किया गया। नगर निगम के द्वारा सड़कों पर जमी डस्ट के लिहाज से इस मशीन की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसका मकसद धूल के गुब्बारों से लोगों को बचाना और AQI लेवल को भी मेंटेन करना है, ताकि वायु प्रदूषण ना हो सके। सर, अपना फॉगिंग के लिए है जो पानी मिस्ट करेगा, बेसिकली जो ये डस्ट वगैरह होता है रोड पे या जो AQI है, मेन AQI लेवल जो कम ज़्यादा होता रहता है, उसके लिए ये AQI लेवल पे रहे, ज़्यादा बढ़े ना, एयर क्वालिटी जो है वो साफ रहे, क्लीन रहे।
इसके लिए बना है। बेसिकली आके ये रोड वगैरह पे जैसे ये चौराहे वगैरह गंदे हो जाते हैं, ये भी वॉश डाउन हो जाएगा इससे। एमएलबी स्कूल रोड पर जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके संचालित किए जा रहे गैराजों पर नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी दल विशेष रूप से मेहरबान है। के पास सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके संचालित किए जा रहे गैराजों के कारण यातायात बाधित होता है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। नगर निगम का अन्य क्रांति दल यहां दिखावटी कार्यवाही करता है। अस्थायी अतिक्रमण इस क्षेत्र के लिए नासूर बने हुए हैं। चर्चा तो यहाँ तक है कि ये अस्थायी अतिक्रमण नगर निगम अन्य क्रांति दल के कुछ कर्मचारियों के लिए ऊपरी इनकम का जरिया है, इसलिए यहाँ कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती। 12वीं फेल से आईपीएस बनने की प्रेरक कहानी को बयां करने वाली 12th फेल फिल्म 200 स्कूली बच्चों को दिखाई गई। सिविक सेंटर स्थित मॉल में फिल्म देखने पहुंचे 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने बताया कि उन्हें इस फिल्म से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की प्रेरणा मिली है। क्राइस्टचर्च एलुमिनाई एसोसिएशन के द्वारा 200 बच्चों को 12th फेल मूवी दिखाई गई। जो तो छत पे बैठा है ना, जो है मनोज, अब बहुत जल्दी डिसाइड करने वाला है कि मैं हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल एग्जाम पास करके। क्राइस्टचर्च एलुमिनाई एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि बच्चों को ये फिल्म दिखाने का उद्देश्य है कि वो भी विपरीत परिस्थितियों से हार ना माने बल्कि संघर्ष करते हुए अपने भविष्य को संवारने का काम करें। क्राइस्टचर्च स्कूल एलुमिनाई एसोसिएशन की तरफ से आज समदड़िया मॉल में 12th फेल पिक्चर दिखाई जा रही है। कमजोर तबके के बच्चों को ये एक प्रेरणा स्रोत पिक्चर है जिसमें कमजोर एवं गरीब परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को एक शिक्षा प्रदान करें, गरीबी कमजोरी ना बने, इसमें मेहनत, लगन और आत्मविश्वास रहे तो बच्चा कुछ किसी भी ऊंचाइयों को छू सकता है। इस उद्देश्य ऐसी प्रेरणा स्रोत मूवी बहुत कम आती है। आज हमने ये पिक्चर दिखा के ये कोशिश की है कि गरीब बच्चे लोग भी इससे प्रेरणा पा के अपना भविष्य संवारें। क्राइस्टचर्च एलुमिनाई की तरफ से ये बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चे जो थोड़ी कम परिस्थिति से आते हैं, इनको एक मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले 12वीं ये फेल मूवी से। इस उद्देश्य से हमने इन बच्चों को एक एक प्रयास किया है कि कम से कम इससे उनको कुछ सीख मिले। इस कोशिश के साथ हम बच्चों को पिक्चर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, बहुत ही अच्छी और बहुत इंजॉयफुल मूवी है और बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करती है ये मूवी हम लोगों को देखने के, मतलब देखने अभी तो पूरी देखी नहीं है, जितनी देखी उससे पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छी मूवी है और बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के। उसमें चीटिंग नहीं करना ये पूरा बताया गया है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है ये मूवी। तुलाराम चौक पर ऑटो रिक्शों की अवैध पार्किंग आवागमन बाधित करती है। बीच चौराहे पर खड़े ऑटो रिक्शों के कारण जाम लगा रहता है, लेकिन यातायात पुलिस इस ओर ध्यान नहीं देती, राहगीरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तुलाराम चौक पर ऑटो रिक्शा चालक अपने वाहनों को बीच चौराहे पर पार्क कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां दिन भर जाम लगा रहता है। बीच चौराहे पर बनी यह अवैध पार्किंग दुर्घटनाओं की वजह बन रही है, लेकिन यातायात पुलिस और नगर निगम अन्य क्रांति दल के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। तुलाराम चौक में देखते हैं कि चारों साइड वहाँ जाम लगा रहता है, अनाधिकृत रूप से वहाँ पर स्टैंड बना लिए हैं लोग, पार्किंग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, पार्किंग बनाए हुए हैं, और इसलिए वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी अगर लग जाए ना तो वहाँ पर जो जाम की स्थिति बनी रहती है उससे आम पब्लिक को थोड़ा सा निजात मिलेगी। जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों की उदासीनता का खामियाजा राहगीरों को भोगना पड़ता है। गोहलपुर निवासी एक मुस्लिम युवती अब सनातनी हो गई है। दरअसल उस युवती को सनातन धर्म की ऐसी लगन लगी कि उसे हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर पहुंचकर सनातन धर्म को अपना लिया और अब उसका नाम भी नंदिनी हो गया है।
हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने बताया कि गोहलपुर की रहने वाली राजिया भी प्रतिष्ठा एवं सनातन धर्म से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने इस धर्म को अपनाने की मंशा जाहिर की और सदर स्थित मंदिर में पूजन एवं शुद्धिकरण किया गया। हम लोग से इच्छा व्यक्त करी कि मुझे बचपन से ही, क्योंकि सनातन धर्म बहुत अच्छा लगता है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आना चाहती हूँ। हम लोग ने इसका पूरा सम्मान किया, इसको आज हम अपने सनातन धर्म में, इसके पूर्वजों के धर्म में वापस लेकर आ रहे हैं। आशा एवं उषा कार्यकर्ताओं को हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स में जिला आयुष विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके तहत उन्हें योग से निरोग रहने एवं पोषण आहार एवं बीमारियों से बचाव से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिला आयुष विभाग के द्वारा सभी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में आशा उषा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत कार्यकर्ताओं को यौगिक क्रियाओं, आहार चर्चा, सम्यक आहार की जानकारी देने के अलावा स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जानकारी दे सकें। वर्तमान में शासन के निर्देशानुसार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जा रहा है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से बुलाया जाकर प्रशिक्षण देकर उन्हें आम जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए किस तरह से उनकी आहारचर्या, ऋतुचर्या और सम्यक आहार, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वो सब उनको बताया जाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आशा एवं उषा कार्यकर्ताओं की शंकाओं का भी समाधान किया गया, जिससे वो बेहतर ढंग से जानकारी दे सकें। बुलेरो वाहन से शराब का अवैध परिवहन किए जाने की सूचना पर गोरखपुर पुलिस ने जलपरी के पास दबिश देकर वाहन को जब्त कर लिया है। हालांकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। गाड़ी से 20 पेटी देशी शराब बरामद हुई है। गोरखपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जलपरी रोड पर एक बुलेरो वाहन में बड़ी मात्रा में शराब ले जाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके वाहन को रोकने का कार्य किया, लेकिन वाहन चालक मौका पाकर गाड़ी को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी से 20 पेटी देशी मदिरा बरामद की है। गोरखपुर थाना प्रभारी MD नागौतिया ने बताया कि फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है और गाड़ी में 2 नंबर प्लेट लगी पाई गई है, जिसके बारे में भी पतासाजी की जा रही है। एक सूचना मिली थी कि एक बिलोर कार में कुछ अवैध शराब ढोने की सूचना है, विक्रय हेतु संग्रहित करने जा रही है। जो सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी एवं हमारे स्टाफ के साथ में पहुंच करके दबिश दी गई, जो जलपरी के पास में उक्त सूचना सही पाई गई। उक्त वाहन जो हमको सूचना मिली थी वो आते मिला, जो पुलिस को देख करके वहीं गाड़ी छोड़ करके जो चालक था वो भाग गया अंधेरा का फ़ायदा उठा करके। मौके पर जब तस्दीक करके तलाशी ली गई तो उक्त बिलोरो गाड़ी वाइट कलर की, जिसमें 20 पेटी देसी मदिरा शराब पाई गई, जो आरोपी के विरुद्ध में धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एवं वाहन मालिक की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी और अभी वाहन का रजिस्ट्रेशन RTO से प्राप्त करके और वाहन स्वामी को भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। इस प्रकरण में वाहन मालिक को भी आरोपी बनाने की बात पुलिस ने कही है। कार्यवाही के दौरान रामपुर चौकी प्रभारी प्रभाकर सिंह सहित चौकी स्टाफ भी शामिल रहा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।